तो जनाब ये है यूएचएस का पेपर जो कि 22 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुआ एम डी कैट के लिए, और पेपर को आप देखते जाएं और मुस्कुराते जाएं क्योंकि ये एम डी कैट का पेपर है। और आप इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको इस पेपर का जो मुकम्मल जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। और इसकी जो आंसर की है उसको चेक करने का तरीका ये है कि आपको आपने जब पेपर दिया होगा तो ऑब्वियसली पेपर के बाद आपको जो है वो कंडक्टिंग बॉडी की तरफ से एक कार्बन कॉपी जो है वो दी गई होगी। तो जैसे ही यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर ये पेपर अपलोड हो, इसकी जो की है वो अपलोड होगी, तो आपने अपने वर्जन के अकॉर्डिंग जो है वो पेपर को देखना है और उसको की के साथ उसको आपने टैली कर लेना है। दिस इज़ हाउ यू कैन चेक योर मार्क्स। लेकिन आपके जो मार्क्स होंगे वो आपके टेंटेटिव मार्क्स होंगे, यानी कि आपके एस्टिमेटेड नंबर्स होंगे। जो आपका जो एक्चुअल रिज़ल्ट होगा वो तो ऑब्वियसली आपकी मेरिट लिस्ट के साथ ही आएगा। तो जहाँ तक ये बात है कि भाई यूएचएस जो है वो की को कब अपलोड करेगा, क्योंकि जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसने भी की अपलोड कर दी है, तो यूएचएस की तरफ से हमेशा की थोड़ा लेट ही आती होती है। लास्ट टाइम पे भी जो की थी वो अराउंड 9 o'clock जो है वो की अपलोड हुई थी। तो जैसे ही जो ऑफिशियल यूएचएस की तरफ से, अगरचे काफ़ी सारे लोगों ने ख़ुद से पेपर को सॉल्व करके कीज़ डाली हैं, लेकिन जो यूएचएस की तरफ से की अपलोड की जाएगी तो ऑब्वियसली दैट विल बी कंसिडर्ड द ऑफिशियल एंड द फाइनल आंसर की। तो वो जैसे ही अपलोड होती है तो वी विल लेट यू नो, और आपके साथ हम उसकी पीडीएफ जो है वो भी डिटेल के साथ शेयर कर देंगे। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। आई नो कि आप सब वेट कर रहे होंगे अपने रिजल्ट का। तो आपका पेपर कैसा हुआ ये मुझे ज़रूर इस वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।